ओके, आपके फिजिक्स में दो पेपर हैं, एक ऑप्टिक्स का है और दूसरा पेपर आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स का है, ठीक है। तो हम जो अभी कवर कर रहे हैं वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ऑलरेडी आपको एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो फोर्ट्रान की प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में है। तो फोर्ट्रान के बेसिक, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको सिल्वर फ्रोस्ट फोर्ट्रान डाउनलोड करके अपने पीसी पे या लैपटॉप पर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जब वो इंस्टॉल हो जाए, प्लेटो आपका है एडिटर, ठीक है। अब ये एडिटर क्या होता है, जिस तरह से आपकी नोटबुक होती है और नोटबुक में आप अपना काम लिखते हैं, इसी तरह से प्रोग्राम की जो स्क्रिप्ट है वो एडिटर में हम लिखेंगे, ठीक है। तो एडिटर आपका स्क्रिप्ट लिखने के काम आता है। अब इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, एक नई फाइल बनाओगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये फिक्स फॉर्मेट न्यू फाइल ओपन कर ली और इसको सेव कर दिया। फाइल सेव एज, इसको मैंने एक नाम दे दिया और नाम इसको मैं दे रही हूँ सपोज टेस्ट प्रोग्राम, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसकी एक्सटेंशन जो है .4 इसकी आएगी, ओके। अब ये प्रोग्राम जो है फिक्स फॉर्मेट और दूसरा होता है फ्री फॉर्मेट। ये फिक्स फॉर्मेट जो है ये फोर्ट्रान 77 का है और ये फोर्ट्रान 77 में हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे। अब 77 में फिक्स फॉर्मेट का मतलब क्या है कि जिस तरह से आपके पास कोई कॉपी होती है उसमें पेज होता है, तो आपको लिखने के लिए एक इधर कुछ आप स्पेस, इस कॉलम से इधर आपका कुछ स्पेस है जहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। इधर आप क्या लिखते हो, लाइन नंबर्स लिखते हो या और कुछ आपको क्वेश्चंस वगैरह हैं वो लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस मार्जिन में आप ये लिखोगे। इसी तरह से आपके उस पेज पर एक मार्जिन है जो कि 6 कॉलम का है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 3 4 5, कहाँ तक होगी काउंटिंग, 6 तक हो गई, ओके 7 8 9, ओके। इसके आगे अगर आप कलर देखो तो ब्लैक शुरू हो गया, राइट। अब इस ब्लैक कलर के आगे अगर मैं इसको लिखती जाऊं कंटिन्यूसली, टोटल 18 नंबर मैंने डाल दिए, ठीक है। टोटल अभी तक मैं इस जहाँ तक आपका ब्लैक कलर आ रहा है 72 नंबर्स डाल चुकी हूँ, 9 के मल्टीपल्स में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ आपका ग्रीन कलर आ रहा है वो पार्ट आपका पेज का पार्ट नहीं है, तो उसमें आप कुछ भी लिखोगे वो माना नहीं जाएगा। ये आपके पहले जो 6 कॉलम है इसमें आप लाइन नंबर्स लिख सकते हो कि लाइन नंबर ये है, लाइन नंबर 1 2 3 4, जैसे आप उस पेज में लिखते थे वैसे ही आपका ये पेज है। बाकी स्क्रिप्ट जो है वो आप 7th कॉलम से लेके 9th कॉलम में लिखोगे। 6th कॉलम जो है एक और काम के लिए आता है। अगर कोई आपकी लाइन 7th कॉलम से 72 कॉलम तक कंप्लीट नहीं हो रही और लंबी लाइन है, तो उसको आपको लिखने के लिए नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे, ठीक है। तो उसके लिए कंटिन्यूएशन मार्क आप 6th कॉलम में लगाओगे, ओके। अभी ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं था, ये जस्ट मैंने आपको ये दिखाया था कि आपको टोटल 72 कॉलम इसमें आप लिख सकते हो। और ग्रीन वाला आपने पार्ट देखा कि ग्रीन वाला पार्ट जो था उसको कंपाइलर कंसीडर नहीं करेगा, वो आपका स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक होता है कमेंट, कमेंट लिखने का तरीका, कमेंट के लिए आप सी लगा के कमेंट आगे जो भी लाइन लिखोगे ये आपकी जो लाइन है ये आपके प्रोग्राम का पार्ट नहीं होगी, ठीक है। दिस इज ए कमेंट लाइन, ठीक है, ये ग्रीन कलर वाला आपका प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। दूसरा आपका क्या है कि आप एक और सिंबल यूज कर सकते हो, ये वाला,
ठीक है। इसके बाद आप कुछ भी लिखो, आपका ये ग्रीन कलर जो आ रहा है ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। ओके, सी जो है हम यूज़ करते थे फोर्ट्रान 77 में, और ये आपका जो है एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये हम 1995 में यूज़ करते थे। मेरा कंपाइलर दोनों को कंसीडर कर रहा है। ओके, अब दूसरा है आपके पास वर्जन, ये आपके पास वर्जन था फोर्ट्रान 77 का, जिसमें आपके पास फिक्स फॉर्मेट है। ठीक है, फिक्स फॉर्मेट में आपके पास 1272 कॉलम आपके पास टोटल 72 कॉलम आपके पास है। ओके, दूसरा वर्जन आपका जो आप यूज कर सकते हो इस वाले फोर्ट्रान में जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है वो 90 या 95 है। ये ईयर 90 में जो आया था वो 90 है, जो 95 में वर्जन आया था वो 95 है। ठीक है, 1977 में आया था वर्जन, राइट। अब ये जो है इन दोनों में फर्क ये है कि ये फ्री फॉर्मेट है। फ्री फॉर्मेट में आपके पास ये जो आपका मार्जिन वाला एरिया है ये एरिया नहीं होगा, आपका पूरा का पूरा जो पार्ट है पेज का उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, तो एक ये डिफरेंस है 77 में और 95 में। अब है आपके पास डेटा टाइप। किसी भी प्रोग्राम का पर्पस क्या होता है कि आपको अपने डेटा से एक यूजफुल इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, डेटा जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, फादर नेम, रोल नंबर, ये आपका डेटा है। ठीक है, और इस डेटा को यूज़ करके मैं सपोज आपकी रोल नंबर स्लिप बना दूँ, तो वो जो मैंने काम किया आपका डेटा यूज़ करके रोल नंबर स्लिप बनाने का काम, उसके लिए मैं एक स्क्रिप्ट लिखूंगी ताकि आपके डेटा को यूज़ करके वो रोल नंबर स्लिप जनरेट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक स्क्रिप्ट, एक प्रोग्राम लिखा जाएगा। तो डेटा में आपका नाम, आपका एड्रेस या कोई भी ऐसा नंबर्स, जैसे फिजिक्स में आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो तो उसमें आपको डेटा दे दिया जाता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ चार्ज या और कोई ऐसा डेटा जो सिर्फ उसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए है। ठीक है, तो जिसके साथ आप कैलकुलेशन करने वाले हो, जिसके साथ आप कोई भी काम करने वाले हो, वो सारा आपका डेटा है और वो डेटा आपका मेमोरी में स्टोर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास कौन कौन सा डेटा टाइप इस फोर्ट्रान में अवेलेबल है। फोर्ट्रान में आपका जो इंट्रिंसिक डेटा टाइप है वो 5 टाइप के हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक डेटा टाइप आपके ये 5 हैं। इंटीजर हो सकता है आपका डेटा, आपका डेटा रियल टाइप हो सकता है। इंटीजर आपका जैसे 2, 3, 4 ये आपके इंटीजर्स हैं। रियल नंबर जैसे 3.14, ठीक है, ये आपके रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लॉजिकल, लॉजिकल जिसका आंसर येस या नो, ट्रू या फॉल्स होता है। ठीक है, तो लॉजिकल आपके 2 ही हैं, 1 इज ट्रू और अदर इज फॉल्स, ये 2 ही डेटा हैं जो लॉजिकल में जाएंगे। ठीक है, तीसरा आपका है, लास्ट आपका है 5th वाला, दैट इज करेक्टर टाइप। तो ये इंट्रिंसिक डेटा टाइप है जिनकी डेफिनेशन ऑलरेडी कंपाइलर में और ऑलरेडी इसके जो है फोर्ट्रान में डिफाइन कर रखा है कि इंटीजर क्या है, रियल क्या है और किस तरह से उस पर कोई भी ऑपरेशन हम, जैसे कि आपके पास इंटीजर या रियल नंबर पे अरिथमेटिक ऑपरेशन किस तरह से करना है, किसी करेक्टर को, किसी स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग होता है जिसमें बहुत सारे करेक्टर हों लाइन को, ठीक है, तो किसी स्ट्रिंग को, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए कैसे कैसे करना है, वो सब जो है वो डिफाइंड ऑलरेडी इसकी लाइब्रेरी में है। ठीक है, तो ये आपके हो गए डेटा टाइप। अब है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली स्टोरेज एरिया में कोई भी आप डेटा स्टोर करोगे तो उस स्टोरेज एरिया को एक नाम दे रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं कि वो वेरिएबल का नेम है। ठीक है, अब इसका नाम वेरिएबल ही क्यों है? क्योंकि वेरिएबल इसलिए है कि जनरली जब भी हम कोई डेटा बता रहे हैं कि इंटीजर टाइप है, तो एक डेटा का एक तो होता है टाइप, ठीक है, दूसरा होता है उसका नेम जिसको हम वेरिएबल नेम बोल रहे हैं, और तीसरा होता है उसका कंटेंट। ठीक है, तो जब भी आपका कोई डेटा मेमोरी में स्टोर होता है उसके साथ ये इंफॉर्मेशन होती है कि उसका डेटा टाइप क्या है,
उसका नाम क्या रख रहे हैं हम और कंटेंट उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या होने वाली है जो हम उस मेमोरी में स्टोर करेंगे। ओके तो ये तीन टाइप की इंफॉर्मेशन आपके पास होती हैं किसी भी वेरिएबल से रिलेटेड, राइट। तो ये कंटेंट जो है वेरिएबल की वैल्यू हो गई, ओके और ये जो है टोटल यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वेरिएबल का नाम हो गया। ये कंटेंट हम चेंज कर सकते हैं विद इन प्रोग्राम कभी भी, या ड्यूरिंग आपका जब एग्जीक्यूशन के टाइम ये वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो प्रोग्राम में अगर ये कंटेंट चेंज हो रहा है इस वेरिएबल का इस मेमोरी लोकेशन पे, तो हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू वेरी कर रही है इसलिए ये वेरिएबल है। अगर ये कंटेंट फिक्स हो जाए तो हम वो कहेंगे कि वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, डिक्लेयर करने के लिए आपके पास जो सिंटेक्स है वो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए 77 में ये सिंटेक्स है। आप सबसे पहले टाइप लिखोगे कि वो इंटीजर है, रियल है, लॉजिकल है, कॉम्प्लेक्स है या करेक्टर है, ठीक है। उसके बाद उसका नाम लिखोगे जो आप वेरिएबल का नाम चूज कर रहे हो। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाहते हो एक ही लाइन में, तो एक से ज़्यादा वेरिएबल कॉमा से सेपरेट करके लिखोगे। जैसे कि मैं इस प्रोग्राम में एक वेरिएबल लिख रही हूँ, ऊपर वाली लाइन जो है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोग्राम, एक कमेंट लाइन है, ओके। अब इसके बाद मैं इसको 7th कॉलम में लिखूंगी एक वेरिएबल रियल, ठीक है। और रियल सपोज मेरे पास ए है और दूसरा बी है। सबसे पहला काम किसी प्रोग्राम में होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, ठीक है। और काम उसके बाद आप नेक्स्ट उस पर कर सकते हो, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन या किसी भी टाइप का आपको इन्फॉर्मेशन उससे क्रिएट करने वाली है, उस इन्फॉर्मेशन को कैसे क्रिएट करना है नेक्स्ट वो करते हैं, ठीक है। और लास्ट में एक फिजिकल एंड प्रोग्राम का लिखते हैं, ओके। तो ये तीन मेन हिस्से हैं जो आपके प्रोग्राम के हैं। तो सबसे पहले मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए और बी, ये दोनों रियल टाइप के वेरिएबल, ठीक है। अब सपोज मेरे पास ए का कंटेंट है, मैंने ए को फिक्स कर दिया 2000। अब आप सोच रहे होंगे मैंने वहाँ पर कैपिटल में ए लिखा था, यहाँ स्मॉल में लिखा है। फोर्ट्रान केस सेंसिटिव नहीं है, स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों सेम चीज़ हैं फोर्ट्रान के, ठीक है, राइट। तो ए की वैल्यू मैंने कर दी 2000 और मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे ये बताया जाए आउटपुट करके कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास अगर मुझे देखनी है तो मैं आउटपुट करवा रही हूँ ये, ठीक है। एंड लास्ट में मैंने कहा था एक फिजिकल एंड ऑफ प्रोग्राम होना चाहिए, तो ये फिजिकल एंड ऑफ प्रोग्राम है, राइट। अब इसको प्रोग्राम को चलाने का तरीका क्या है, कंपाइल करेंगे। सबसे पहले कंपाइलेशन में ये जो आपने सोर्स कोड लिखा है, जो आपका प्रोग्राम की कोडिंग लिखी है, ये आपका मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने वाली फाइल है वो ऑब्जेक्टिव फाइल, वो बाद में आप रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। तो अब जो आपकी इसमें दो एरर जो ये वार्निंग आई है वो सिर्फ ये है कि मैंने बी को डिक्लेयर किया है लेकिन बी को यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो मैं एक बार वार्निंग वाला हिस्सा हटा देती हूँ, सिर्फ एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर करके देख लेते हैं और यहाँ पे आउटपुट ए करवा लेते हैं। ठीक है, राइट। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया है जिसमें ए की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी कि ए का जो कंटेंट है दैट इज 2000, ठीक है। तो थ्रू दैट स्टेटमेंट मैंने क्या किया है कि 2000 वैल्यू को मैंने ए को असाइन कर दिया है। असाइन करने से क्या होगा कि ए जहाँ पे स्टोर है वहाँ पर कंटेंट की वैल्यू 2000 बन जाएगी, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेती हूँ मेरे पास प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन में क्या आ रहा है। ये फ्री वर्जन है तो ये स्टार्टिंग में ये पेज आएगा ही आएगा, जो वाइट वाला जो आपके पास आ रहा है, ओके। अब आपके पास स्क्रिप्ट में इसमें क्या आया है, इसमें आउटपुट में अगर आप देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा था रियल इक्वल्स टू ए। जैसे ही आपने रियल इक्वल्स टू ए किया, आपका जो फाइल है, आपका जो वेरिएबल ए है वो डिक्लेयर हो गया और उसमें क्या हुआ कि उसकी टाइप पता चल गई और नाम पता चल गया। कंटेंट वाली अभी स्पेस कंटेंट में कुछ भी सेव नहीं हुआ है, ठीक है।
उस लोकेशन पे मेमोरी में कुछ भी सेव नहीं हुआ। नेक्स्ट मैंने लाइन में क्या लिखा, ए इक्वल्स टू 2000, तो कंटेंट वाली वैल्यू पे जो आपका मेमोरी में 2000 लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या किया कि मुझे आउटपुट चाहिए थी कि क्या मेमोरी में उस जगह वैल्यू क्या है वो मुझे बताई जाए, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यू आउटपुट करवा ली और आउटपुट स्क्रीन पे मुझे ये वैल्यू मिल गई। तो ये मुझे आउटपुट स्क्रीन पे 2000 वैल्यू मिल गया। एंड नेक्स्ट फिजिकल एंड ऑफ माय प्रोग्राम, ओके एंटर प्रेस करके मैंने वो विंडो क्लोज कर दी। छोटा सा प्रोग्राम था और जिसमें एक वेरिएबल जस्ट डिक्लेयर किया था, ठीक है, और उसकी वैल्यू मैंने कंटेंट को बताया था कि ये कंटेंट है। अब इस कंटेंट को मैं चेंज भी कर सकती हूँ। सपोज मैंने इस कंटेंट को दोबारा बना दिया ए इक्वल्स टू 4000, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको ए इक्वल्स टू 4000 किया और दोबारा मैं इसकी पता करना चाहूँ कि इस लोकेशन पे कंटेंट क्या है, तो मैं आउटपुट करवा लेती हूँ कि इसकी लोकेशन पे कंटेंट क्या है और इसको देख लेती हूँ। ठीक है, पहले क्या था 2000.00 और उसके बाद क्या आया 4000.00, ठीक है। क्योंकि एक रियल नंबर है तो इसमें आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद भी वैल्यूज आएंगी आएंगी। वहाँ पे मैंने, अगर आप देखो प्रोग्राम में, मैंने इंटीजर वैल्यू लिखी थी, लेकिन इसने, क्योंकि मैंने इसकी टाइप रियल डिक्लेयर की थी, तो जो इसने मेमोरी में इसके जो है डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू भी सेव करने के लिए स्पेस रखा है और डेसिमल पॉइंट से पहले की जो वैल्यू वो भी सेव करने के लिए स्पेस रखा है। जब आपने डेसिमल पॉइंट के बाद की कुछ वैल्यू नहीं दी तो इसने इसको 00 वैल्यू रिटेन करके आपको आउटपुट दिखाई, ठीक है, ओके। तो ये वैल्यू चेंज हो गई, राइट। तो ये क्या हुआ, वेरिएबल जिसकी वैल्यू मैं चेंज कर सकती हूँ। और वेरिएबल के टाइप क्या है, वेरिएबल के आपके 5 टाइप हैं, इंटीजर, रियल, कॉम्प्लेक्स, लॉजिकल और करेक्टर। ये इंट्रिंसिक टाइप हैं। 1995 में आप वेरिएबल को अपनी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई टाइप, ये टाइप में एक नए टाइप का वेरिएबल बना, तो वो टाइप आप डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई एड्रेस का आप बना दो कि एड्रेस मेरे पास एक टाइप है और एड्रेस टाइप में ये इंफॉर्मेशन मेरे पास हो, ठीक है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका आपको पता चल गया कि सबसे पहले उसका हम लिखेंगे 77 में कि वो आपके पास उसका टाइप क्या है, उसके बाद वेरिएबल के लिए सेपरेटेड बाय कोमा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज मुझे 95 में लिखनी है तो मैं क्या करूंगी, टाइप सबसे पहले लिखूंगी, उसके बाद आपके दो कॉलम्स लगाऊंगी और फिर वेरिएबल के नेम सेपरेटेड बाय कोमास, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर, दो कॉलम एंड देन टोटल, रियल दो कॉलम, फिर एवरेज, कॉम्प्लेक्स दो कॉलम, सीएक्स, ठीक है। तो ये टोटल, एवरेज, सीएक्स, ये वेरिएबल के नेम हैं। लेटर ऑन मैं इनकी वैल्यू इनको असाइन कर रही हूँ, इनका कंटेंट डाल रही हूँ और कंटेंट मैंने ये डाल दिया कि टोटल की वैल्यू 20,000 है, एवरेज की वैल्यू 1,666.67 है, ठीक है। इस तरह से ये लॉजिकल टाइप था डन, तो इसको मैंने लॉजिकल टाइप की ही वैल्यू असाइन की है, दैट इज ट्रू, ठीक है। और जब लॉजिकल टाइप की वैल्यू असाइन करनी है, आगे पीछे एक डॉट लगा हुआ है अगर आप यहाँ देखें तो, ठीक है। ये फोर्ट्रान में लिखने का सिंटैक्स है कि लॉजिकल कोई भी टाइप है तो ट्रू लिखना है तो आप इस तरह से लिखोगे, ट्रू के आगे पीछे एक डॉट, फॉल्स लिखना है तो ये लिखोगे, आगे पीछे डॉट लगाओ, ठीक है। ये आपकी एक स्ट्रिंग थी और स्ट्रिंग में मैंने ये स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दिया, कोट्स में असाइन किए, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट होते हैं, एक रियल एक इमेजिनरी, सेपरेटेड बाय कोमास, मैंने ये ब्रैकेट डाल के जो कि राउंड ब्रैकेट है
उसके थ्रू असाइन किया है। ओके, तो इस तरह से मैं वैल्यूज जो है असाइन कर सकती हूँ। अब इसमें एक और चीज़ है, अगर आप स्ट्रिंग को देखो, करेक्टर को देखो, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ स्टार ए टी। ओके, इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम आप इसमें 80 करेक्टर्स लॉन्ग वैल्यू स्टोर कर सकते हो इस वेरिएबल में, जिसका नाम है मैसेज। ठीक है, और इसी को लिखने का तरीका फोर्ट्रान 95 में अगर आप देखो, तो फोर्ट्रान 95 में आपके पास फोर्ट्रान 95 में स्टार 80 नहीं लिखा हुआ, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि लेंथ कितनी है। मैक्सिमम आप 80 करेक्टर लॉन्ग ये इस वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, और जब एक से ज़्यादा करेक्टर हो तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। राइट, ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल मैसेज को ये वैल्यू असाइन की है, कोर्स में जो लिखी हुई है ए बिग हेलो फ्रॉम ट्यूटोरियल पॉइंट। ठीक है, अब है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट वो है वेरिएबल, जैसे पता था कि उसकी वैल्यू आप विद इन प्रोग्राम चेंज कर सकते हो, कॉन्स्टेंट की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। फिजिक्स में जैसे आपके पास कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कॉन्स्टेंट है, मास ऑफ सन कॉन्स्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट है, प्रोटोन का मास कॉन्स्टेंट है, तो ये सारी वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट रहती हैं, चेंज नहीं होती। और आप ऐसी वैल्यू को चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई गलती से भी आपके प्रोग्राम में इनकी वैल्यू चेंज ना हो, तो इस टाइप की वैल्यूज़ को हम थ्रू ए पैरामीटर स्टेटमेंट शुरू में ही बता देते हैं कि ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट आपके दो तरह के होते हैं, एक नेम्ड कॉन्स्टेंट होते हैं, एक लिटरल होते हैं। लिटरल तो कोई भी वैल्यू है, जैसे कि नंबर 40 है, 40 आपने लिखा हुआ वो लिटरल है, उसको कोई नाम नहीं दिया हुआ। और ये 40 सपोज जैसे मैंने अभी टोटल को वैल्यू ए को वैल्यू 2000 असाइन की है। ठीक है, तो 2000 क्या है, दैट इज़ अ लिटरल। ओके, इसकी वैल्यू 2000 की 2000 ही रहेगी, 2 का 3 नहीं बनने वाला, 2000 ये लिटरल है। नेम्ड वैल्यू क्या होती है, नेम में जैसे वेरिएबल में आपने एक नेम असाइन कर रखा है, वेरिएबल में आपने यहाँ नाम ए असाइन कर रखा है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, इसी तरह से नेम्ड कॉन्स्टेंट में हम कॉन्स्टेंट को एक नाम असाइन करेंगे, जैसे पाई असाइन कर दिया 3.14 को। ठीक है, और उसका असाइन करने का तरीका क्या है, फोर्ट्रान 77 में अगर आपको नाम असाइन करना है तो सबसे पहले आप लिखोगे पैरामीटर। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट डालोगे राउंड वाली, और उसमें जितने भी कॉन्स्टेंट आपने डिक्लेयर करने हैं उनके नाम के साथ उनकी वैल्यूज लिख के सेपरेटेड बाय कोमा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ कर रखा है कि थ्रू पैरामीटर स्टेटमेंट में डिक्लेयर करूँगी ये कॉन्स्टेंट है, पैरामीटर ब्रैकेट में पाई इक्वल्स टू 3.1415927 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पाई एक कॉन्स्टेंट बन जाएगा और इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 3.1415927 होगी, और आप इसको कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे विद इन प्रोग्राम। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, या प्रोग्राम की स्क्रिप्ट में ये वैल्यू आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपका मेमोरी में क्या होगा कि मेमोरी में सब इसकी टाइप भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी आपको, टाइप जहाँ डिक्लेरेशन यहाँ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया पाई स्पोस। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले इसकी टाइप कौन सी है। ठीक है, टाइप आपने डिक्लेयर कर दी रियल है, कंटेंट आपने कर दिया 3.1415927 और इसका नेम हो गया पाई। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हो गई, विद इन प्रोग्राम ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहने वाली है, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट थ्रू पैरामीटर स्टेटमेंट, आपने इसको डिक्लेयर किया है। 95 में अगर आपको डिक्लेयर करना है तो 95 में तरीका है कि सबसे पहले आप टाइप बताओगे, कोमा लगाओगे, कोमा कंपल्सरी है, उसके बाद लिखोगे पैरामीटर, फिर दो कॉलम, और उसके बाद जितने भी आपके कॉन्स्टेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल पाई इक्वल्स टू 3.1415927 सेपरेटेड बाय कोई और कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया इक्वल्स टू इतना,
ठीक है, और वैल्यू करके सेपरेटेड बाय कोमास। कोई भी लाइन जहाँ एंड कर रही है वहाँ पे आप कोई फुल स्टॉप नहीं लगाओगे, कोई सेमी कॉलम नहीं लगाओगे, कोई और तरह का एंडिंग के लिए जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो या हिंदी में कोई करैक्टर यूज़ करते हो, कोई करैक्टर इस तरह से यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, अब है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। टोटल आपकी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट 9 है, ओपन, क्लोज, इंक्वायर, बैकस्पेस, एंड फाइल, रिवाइंड, रीड, राइट, प्रिंट, ये सारी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट हैं। और आप जो पढ़ने वाले हो वो सिर्फ ये वाली है, रीड, राइट एंड प्रिंट। राइट का एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि राइट ब्रैकेट मैंने डाल के राउंड ब्रैकेट स्टार कोमा स्टार लिखा है और मैंने आउटपुट करवाई है ए की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपकी तीन आउटपुट स्टेटमेंट जो आप यूज करने वाले। ठीक है, उससे पहले अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या है? अरिथमेटिक नंबर आपको पता है, काउंटिंग रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, जितने भी ये नंबर्स हैं वो अरिथमेटिक नंबर्स हैं। ठीक है, उनको आप अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करके कोई भी एक्सप्रेशन, आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिख सकते हो। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये डबल स्टार का मीनिंग है, अगर आपने कहीं सपोज 2 double star 5 लिखा तो इसका मीनिंग है कि 2 raised to power 5। ठीक है, सपोज मैंने ए को एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन असाइन कर दिया, ए इक्वल्स टू 5, बी कोई और वैल्यू है 5b। ठीक है, तो ये जो इधर आपने लिखा है राइट हैंड साइड में, ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। बी अनदर कोई वेरिएबल है जिसकी टाइप ऐसी है जिस पे आप अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आपने 5 multiplied by b लिखा हुआ है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है और इसकी जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेशन होके वो कंटेंट इस ए को थ्रू दिस स्टेटमेंट असाइन हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये मेरे पास है असाइनमेंट स्टेटमेंट, जिसमें मैं कोई वैल्यू असाइन कर रही हूँ किसी वेरिएबल को। ठीक है, अब बाय चांस यहाँ वो वैल्यू थ्रू दिस अरिथमेटिक जो है एक्सप्रेशन में असाइन कर रही हूँ। ठीक है, और आपके एक्सप्रेशन क्या हो सकते हैं? लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जहाँ पे आप प्लस माइनस इनकी बजाय जो ऑपरेशन यूज़ करते हो वो आपके पास रिलेशनल ऑपरेशन होंगे या फिर आपके पास लॉजिकल ऑपरेशन होंगे। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेशन आपके पास क्या है? रिलेशनल ऑपरेशन है जैसे कि आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं। ठीक है, और नॉट इक्वल टू, ये सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जो आपके आते हैं दैट इज और एंड नॉट, इस टाइप के जो ऑपरेटर है वो लॉजिकल में आएंगे। ठीक है, अब कोई एक्सप्रेशन लॉजिकल एक्सप्रेशन है तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में जैसे कि आपका जो है आंसर नंबर्स में आता था, लॉजिकल जो आपके एक्सप्रेशन है उनका आंसर दो ही उसमें आता है, या तो ट्रू या फाल्स। ठीक है, तो जिनका आंसर ट्रू या फाल्स की फॉर्म में आएगा वो लॉजिकल एक्सप्रेशन होंगे और उनके लिए ऑपरेटर आप या तो ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करोगे या फिर आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करोगे।